उत्तर भारत में इस वक्त प्रदूषण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें एक साल पहले यह पुरस्कार मिला था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, इस मुद्दे पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। खैर, प्रधानमंत्री तो हो सकता है मसरूफ हो, मगर उनके पर्यावरण और वन मंत्री रविवार के दिन, जबकि उत्तर भारत में दिल्ली जैसे शहरों में, नोएडा जैसे शहरों में हाहाकार मचा हुआ था, क्या मशवरा दे रहे थे देश की जनता को? ये दे रहे थे कि आज के दिन हमें कौन सा संगीत सुनना चाहिए। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन तो एक कदम और आगे हैं। जी हां, इन्हें 1985 में आने वाले इस सीरियल करमचंद की याद आ गई। ये कहने लगे कि साहब, अगर प्रदूषण दूर करना है तो गाजर खाइए। जी हां, अब इस देश की किस्मत में गाजर ही तो लगे हुए हैं। इस मुद्दे पर सियासत क्या हो रही है आज, मैं उसकी चर्चा आपके सामने नहीं करने आया हूं, उस पर आप बहुत कुछ सुन चुके होंगे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि इसका समाधान क्या है, आखिर दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसका समाधान हम कैसे हासिल कर सकते हैं, हम चीन से आखिर क्या सबक ले सकते हैं। जी हां, चीन की जो सक्सेस स्टोरी है वो हम आपके सामने बताना चाहेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन चार राज्यों पर जहां सबसे ज्यादा असर रहा, उनके मुख्यमंत्री रविवार को क्या कर रहे थे। आपके स्क्रीन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर आप अरविंद केजरीवाल के ट्विटर टाइमलाइन पर जाएं तो वो खासे सक्रिय थे, क्योंकि ये साल चुनावों का साल है, या कम से कम अगले साल की शुरुआत में चुनाव हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है उन्हें डर है। यही नहीं, वो ऑड इवन को सफल करने की भी अपील करते रहे। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री से भी अपील की कि आप इस मुद्दे पर बैठक तक बुलाएं, और उन्होंने यह भी कहा कि ये हम अपील तो सितंबर से लगातार कर रहे हैं, मगर केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री के कान में जू तक नहीं रेंग रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक भावात्मक अपील की है कि जो किसान अपनी फसल जलाते हैं पराली के चलते, जो प्रदूषण होता है दिल्ली और आसपास के शहर में, आप उन किसानों को आर्थिक मदद दें। मनोहर लाल खट्टर भी एक्टिव थे, उन्होंने कहा कि जी हां, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री को इस मुद्दे पर बैठक बुलानी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलानी चाहिए, मगर अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर उन्होंने यह कह डाला कि इस मुद्दे पर सियासत ना करें। और हमारे योगी जी हमारे योगी जी तो पूरी तरह से खामोश थे, क्योंकि देखिए, जब तक मंदिर की बात ना आए, गाय की बात ना आए या बंदर की बात ना आए, योगी जी अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलते। लिहाजा वो छठ पूजा को लेकर लोगों को बधाइयां तो दे रहे थे, शुभकामनाएं तो दे रहे थे, मगर पूरी तरह से खामोश थे, जबकि उनका पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे खासा प्रभावित था। मगर जानते सबसे दुख की बात क्या है, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर इस मुद्दे को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते रहे। आपके सामने अब मैं एक सरकारी दस्तावेज दिखा रहा हूं, ये वो तीन बैठकें थीं जो वायु प्रदूषण के मुद्दे पर बुलाई गई थीं, और इन तीनों बैठकों को माननीय प्रकाश जावड़ेकर ने कैंसिल कर दिया। सवाल ये कि आखिर क्यों? क्या प्रकाश जावड़ेकर जी, आप ये वाकई मानते हैं कि संगीत सुनने से ही प्रदूषण का हल हो सकता है? आपने कैंसिल क्यों किया? यह अपने आप में बहुत दुखद बात है दोस्तों। और ये हमारे रिंकिया के पापा, ये अपने किस्म का ऑड इवन खेलते हैं। जी हां, दिवाली के वक्त तो इन्होंने जम के पटाखे बजाए, और फिर अगले ही कुछ दिनों में इस तरह के अवतार में सामने आ गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आप और हम सब जानते हैं कि दिवाली के अगले दिन और उसी दिन से जो प्रदूषण को लेकर हालात बद से बदतर हुए हैं वो सबके सामने हैं। कम से कम इस तरह के दोहरे मापदंड हम ना अपनाएं, और दोहरे मापदंड हमें और भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। हम इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं कि कल दिल्ली में, रविवार को दिल्ली में बाकायदा भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच हुआ, BCCI को इतनी भी शर्म नहीं आती कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का इतना जबरदस्त कहर था उसे आप कैंसिल कर दें, मगर इन्होंने कैंसिल तक नहीं किया।
और सबसे बड़ी विडंबना कि थाईलैंड पहुंच के प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब भारत आने का सबसे माकूल वक्त है ये। फ्रेंड्स, आई एम ईगर टू गिव यू अ पिक्चर ऑफ सम पॉजिटिव चेंजेस हैपनिंग इन इंडिया टुडे। आई से दिस विथ फुल कॉन्फिडेंस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इन इंडिया। बताइए मोदी जी, किस बुनियाद पर लोग यहां पर आए? प्रदूषण की समस्याएं, आप कह रहे हैं कि साहब हमने टैक्स व्यवस्था बेहतर कर दी है, इनकम टैक्स को लेकर यही शिकायत तो अमरीकी कंपनियों की भी है, और व्हाट्सएप को लेकर जो मजाक चल रहा है इस वक्त देश में कि प्रियंका गांधी से लेकर पत्रकारों से लेकर समाज सेवियों के लेकर तमाम लोगों के व्हाट्सएप हैक किए जा रहे हैं। तो आखिर जब आप कह रहे हैं कि आप आइए और भारत में माकूल वक्त है, तो किस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है? दोस्तों, रविवार के दिन आपके सांसों में किस कदर जहर था वो मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की इन तस्वीरों के जरिए बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपके सामने है करनाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें आप देख सकते हैं 710 है वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स और यह सामान्य से बहुत खराब है। दिल्ली की बात करें तो यह 1000 के आंकड़े को पार कर रहा है, आपके सामने 999 और यह 1000 है। यही नहीं, पंजाबी बाग दिल्ली यहां पर भी 999 और ओखला की तरफ आए यहां पर भी 999। दरअसल ये सब 999 इसलिए हैं क्योंकि इनमें से कई 999 के ऊपर के आंकड़े को नहीं माप सकते। और अगर रविवार की हम बात करें और पड़ोसी देशों से अपनी तुलना करें तो हम बात करना चाहेंगे यहां पर चाइना की। चाइना में शंघाई देखिए 91 है, 91। ये वो देश है जहां से 5 साल पहले 2012-13 में स्मॉग की बहुत गंभीर समस्या थी। अब देखिए आपके सामने बीजिंग, यहां पर 65 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यह भी अपने आप में यहां की सफल कहानी बयां कर रही है। और अब देखिए गांगजाओ, यहां पर 99 है। ये एक औद्योगिक शहर है चाइना का और यहां पर आप देखिए हालात कितनी अच्छी है। मगर दिक्कत क्या है ना दोस्तों, आजकल हम अपनी तुलना चाइना, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन से तो करते नहीं, हम तो हर चीज में अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं। तो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की भी हालत हमसे बेहतर थी। आज सुबह की बात कर लेते हैं। जी हां, सोमवार है आज का दिन और आज सुबह आप इस्लामाबाद में देखिए, हालात यहां पे भी बहुत अच्छे नहीं है मगर भारत से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। और अगर हम बात करें लाहौर की तो यहां पर आंकड़ा 500 छू रहा है। क्यों छू रहा है? क्योंकि लाहौर सटा हुआ है अमृतसर के साथ। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि हालात बद से बदतर हैं। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आखिर हम किस तरह से चीजों को सुधार सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम चीन से क्या सीख सकते हैं, मगर अभी त्वरित जो हमारे सामने उपाय हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन। आपके सामने इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर, जो कि देश के पर्यावरण और वन विकास मंत्री हैं, उनका एक ट्वीट। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 45 टीमें भेज दी हैं और ये संबंधित एजेंसीज को समाधान देंगी। यही तो दिक्कत है जावड़ेकर साहब, कि आपने अब जाकर केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड को काम पर लगाया है। मगर मुद्दा क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। मुद्दा यह है दोस्तों कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को साल भर सजग रहना पड़ेगा, मुद्दा नंबर एक। इसके अलावा सिर्फ प्रदूषण वाले महीनों में जागने से कुछ नहीं होता, संकट काल में कुछ कार्रवाई और एक्शन जमीन पर दिखना चाहिए जो पूरी तरह से नदारद है। अब दूसरा मुद्दा, पटाखों पर नियंत्रण। क्या आप जानते हैं कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और उस आदेश के मुताबिक आप पटाखे सिर्फ 8 से 10 बजे के बीच यानी कि दिवाली को फोड़ सकते हैं, मगर इस आदेश की पूरी तरह से अनदेखी की गई। न जाने क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सिर्फ ग्रीन पटाखे, जिनमें से कुछ खास रसायन का इस्तेमाल नहीं होता और जो 30% कम प्रदूषण छोड़ते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। मगर क्या आप जानते हैं कि ग्रीन पटाखों के अलावा जो सामान्य पटाखे हैं उसका भी जोरदार इस्तेमाल हुआ।
आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुद्दा नंबर 3, पराली पर नियंत्रण, यानी जो किसान अपनी फसल जलाते हैं उस पर नियंत्रण हासिल किया जाए। मगर आपके सामने ये योगी सरकार के मंत्री हैं, इनका नाम है सुनील भराला। ये माननीय क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ये कहते हैं, किसानों ने हमेशा पराली या फसल जलाने का काम किया है, इसकी आलोचना गलत है। सरकार को बड़े पैमाने पर यज्ञ करना चाहिए ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हों, इंद्रदेव सब ठीक कर देंगे। यानी कि यहां पर भी माननीय जो हैं वो हिंदू कार्ड खेल गए। कोई हमें गाजर खाने की नसीहत देता है, कोई यज्ञ करने की नसीहत दे रहा है, कोई हमें संगीत सुनने की नसीहत दे रहा है। वाह, क्या देश है और क्या वक्त है इस वक्त सांस लेने का। मगर मैं चाहूंगा कि आप पराली को लेकर कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मुताबिक खेतों में जो किसान अपनी फसलों को आग लगाते हैं, जिसे हम पराली कहते हैं, दिवाली के एक दिन बाद प्रदूषण में इस पराली का योगदान 35% था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक और आंकड़ा आपके स्क्रीन पर कि नवंबर के अंत में आते आते ये 35% से बढ़कर 50% हो जाता है। हर साल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 7 से 8 करोड़ टन धान से निकला भूसा या पराली जलाई जाती है। और यही नहीं दोस्तों, सबसे जो शॉकिंग आंकड़ा है कि अगर आप इन 3 सालों की तुलना करें, 2017, 2018 और 2019, यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया है। बावजूद इसके कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अपील की है कि आप जो हैं इस पर काबू पाएं, इन तमाम राज्यों से अपील की है, मगर फिर भी यह आंकड़ा बढ़ता गया है। दोस्तों यहां पर दिक्कत यह है पराली को लेकर कि जो फसल कटती है और जो भूसा बच जाता है उसे या तो जमीन में गाड़ा जाए या सरकार किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराए ताकि इसका समाधान हो, मगर सरकार ऐसा कर नहीं रही है। यही वजह है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं, क्योंकि किसानों पर जो फाइन लगता है वो सिर्फ 2,500 रुपए का है और किसानों के लिए पराली के मुकाबले ये सस्ता सौदा साबित होता है। और अब हमारा अगला और सबसे अहम कारण वो है धूल। क्या आप जानते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर 10 एमिशंस में सबसे बड़ा योगदान होता है धूल का, और यह आंकड़ा है 56%। यानी जो जमीन से निकली धूल है उसका योगदान प्रदूषण में 56% है। और क्या आप जानते हैं कि साल 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साफ दिशा निर्देश दिए थे राज्य सरकारों को कि वो कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण क्षेत्र पर लगाम लगाएं, बिल्डर्स कंस्ट्रक्टर्स पर लगाम लगाएं। मगर 3 साल बाद जो रिपोर्ट आई ईपीसी की वो क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द ईपीसी रिपोर्ट ऑफ October 18, 2019 सेड द रूल्स हैड नो इंपैक्ट एज डेवलपर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट विद डिसरिगार्ड। मोस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स डोंट हैव मैन पावर टू इंप्लीमेंट द रूल्स एंड द म्युनिसिपल बॉडीज इनफ फंड्स टू इंप्लीमेंट द रेगुलेशंस। यानी कि यहां पर 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात कि राज्य सरकार जो डेवलपर्स हैं, कंस्ट्रक्शन में जो कंपनीज हैं उन पर कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास ताकत नहीं है कि वो उन पर लगाम लगा सके। तो आपके सामने मैंने वो मशवरे रखे हैं जिन पर अगर हम लागू करें, जिन्हें हम लागू करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। मगर कार्यक्रम की शुरुआत मैंने आपको बताया कि आखिर हम चीन से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों प्रदूषण पर काबू पाने की जो जंग चीन की शुरू होती है 1998 में, मगर जो असली समस्याएं सामने पेश आई थी वो साल 2012 और 2013 में। आपको याद होगा बीबीसी की तमाम खबरें जब स्मॉग से घिरे हुए थे चीन के तमाम शहर, चाहे वो बीजिंग हो, शंघाई हो या फिर गांगजा हो, ये तमाम शहर स्मॉग से घिरे हुए थे। मगर चीन फिर क्या करता है, चीन ने साल 2013 में नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान लागू किया और सरकार ने इस पर खर्च किए करीब 19,000 करोड़ रुपए की योजनाएं और उस पर अमल भी किया, उस पर राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जतलाई। लोगों को दिक्कतें पेश आईं मगर फिर समाधान उसका दिखाई दिया धीरे धीरे। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई लोगों के जहन में कुछ सवाल होंगे कि भाई चीन तो प्रजातांत्रिक देश है नहीं, लोकतांत्रिक देश है नहीं, तो वहां तो कुछ भी लागू किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर आप मुझे बताइए ना,
हमने जो नोटबंदी लागू की या जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया, क्या वहां पर आम सहमति ली गई, इसे लागू किया, लोगों ने स्वागत भी किया उसका, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन के तर्ज पर या चीन के लाइंस पर जो मैं अब आपको मशवरा बताना चाहता हूं, क्या मोदी सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि वो इसे लागू कर सकें? तो चलिए एक एक करके तमाम मुद्दे मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि चीन ने आखिर क्या किया। मुद्दा नंबर एक, कारखानों को उत्तर चीन और पूर्वी चीन से दूसरे स्थानों पर ले जाया गया या बंद कर दिया गया। बहुत से कारखानों में उत्पादन कम किया गया, कोयले का उपयोग बहुत कम कर दिया गया, बेकार वाहनों को सड़क से हटाया गया और बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझाऊ में सड़कों पर कारों की संख्या कम कर दी गई। क्या आप जानते हैं कि केवल बीजिंग में 2014 में 5,00,000 बेकार वाहनों को सड़क से हटाया गया। यही नहीं, जनवरी 2018 यानी कि अब से एक साल पहले करीब 553 वाहनों के मॉडल्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो चीन लगातार ये कर रहा है और उसके प्रोडक्शन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। तो चीन ये तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा है। आगे भी हम आपको बताना चाहेंगे, प्रमुख बाजारों में 6 साफ हवा के गलियारे यानी कि विंड कॉरिडोर्स भी बनाए गए। कोल आधारित नए प्लांट्स को मंजूरी देना बंद कर दी गई, अगर दी भी गई तो उन्हें बीजिंग और बड़े शहरों से दूर रखा गया। एयर प्यूरिफायर्स पर जोर दिया गया, बड़े शहरों में लो कार्बन पार्क बनाए गए यानी वो इलाके जो कम कार्बन का उत्सर्जन करें। चीन में औद्योगिक प्रदूषण सर्वाधिक होने से उसे नियंत्रण से ज्यादा प्रयास किए गए। तो आपने देखा दोस्तों, चीन ने अपनी तरफ से कोशिशें की। 2013 के चीन और 2019 के चीन में जमीन आसमान का फर्क है और जरूरत है तो सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की। सबसे बड़ी त्रासदी यह है दोस्तों कि इस देश के मीडिया के सामने अगर एजेंडा की बात करें तो हिंदू मुसलमान है, मंदिर है, ट्रिपल तलाक है, यानी कि वो तमाम मुद्दे हैं जिससे समाज में दोहराव पैदा कर हुआ होता है, मगर जिसका सीधा ताल्लुक हमारे बच्चों के भविष्य के साथ है, उस मुद्दे को लेकर मीडिया पूरी तरह से खामोश रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में जगह नहीं देते, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल भी जगह नहीं दी है। अब हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम बदलाव नहीं लाए दोस्तों तो हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। नमस्कार।